मैं डॉक्टर पल्लव मित्तल, सह आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली, अपने गत व्याख्यान में मैंने ब्रिटिश शासन व्यवस्था के विकास के बारे में बात करते हुए आपको ट्यूडर काल तक जो संवैधानिक विकास हुआ है उसके बारे में बताया था। अपने आज के लेक्चर में मैं आपको स्टुअर्ट काल और हैनोवर काल में ब्रिटिश शासन व्यवस्था का जिस रूप में विकास हुआ है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पांचवा, स्टुअर्ट काल 1603 से 1714 तक। ट्यूडर वंश की क्वीन एलिजाबेथ के बाद ट्यूडर वंश में कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः इंग्लैंड का शासन स्कॉटलैंड के सम्राट जेम्स वन के पास आ गया। जेम्स वन के पश्चात 1625 में चार्ल्स वन उसका उत्तराधिकारी बना, परंतु राजा बनने के पश्चात उसने राजा के दैवीय अधिकारों का हवाला देकर शासन में मनमानी करनी शुरू कर दी। उसका संसद से झगड़ा हुआ और झगड़े के पश्चात संसद ने उसे अधिकारों के याचना पत्र या पिटीशन ऑफ राइट्स 1928 पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। उसकी शक्तियों को इस प्रकार संसद कुछ हद तक रोकने में सफल हुई, परंतु पिटीशन ऑफ राइट्स पर हस्ताक्षर के पश्चात भी किंग चार्ल्स ने अपना वचन नहीं निभाया। संसद के विरोध करने पर उसने अगले 11 साल बिना संसद के ही शासन किया। यह काल ब्रिटिश संसद के इतिहास में लॉन्गेस्ट पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। चार्ल्स के शासनकाल के दौरान ही शासन में दो गुट बन गए, एक जो राजतंत्र समर्थक था और दूसरा जो उसका विरोधी और गणतंत्र का समर्थक था। इस प्रकार राजतंत्र समर्थक और उसके विरोधियों के बीच 1642 से लेकर 1645 तक गृहयुद्ध चला। गृहयुद्ध की समाप्ति पर संसदीय नेताओं की जीत हुई। मुकदमा चलाकर चार्ल्स वन को मृत्युदंड दे दिया गया। 1649 में क्रॉमवेल के नेतृत्व में इंग्लैंड के इतिहास में पहली बार गणतंत्र की स्थापना हुई, जो 1658 में क्रॉमवेल की मृत्यु पर समाप्त हुई। गणतंत्र का यह अनुभव ब्रिटिश जनता के स्वभाव के अनुकूल नहीं रहा, अतः 1660 में पुनः चार्ल्स वन के ही पुत्र चार्ल्स टू को गद्दी पर बैठा दिया गया। उस समय तक प्रिवी काउंसिल एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में तब्दील हो चुकी थी, अतः चार्ल्स टू ने प्रिवी काउंसिल की एक छोटी समिति अर्थात 5
महत्वपूर्ण व्यक्तियों क्लिफोर्ड, आर्लिंगटन, बर्मिंघम, एशले और लॉडरडेल से परामर्श लेना शुरू किया। इन पांचों व्यक्तियों के नाम के पहले अक्षर से इस समिति का नाम बना जो कबाल कहलाया। ये कबाल ही आज की कैबिनेट का प्रारंभिक रूप था। 1685 में चार्ल्स टू का उत्तराधिकारी बना जेम्स टू। तीन वर्ष शासन के बाद ही जेम्स टू ने संसद के परामर्श के बगैर कानूनों को रद्द करना शुरू कर दिया जो संसद के सदस्यों को नागवार लगा। संसद ने जेम्स टू का विरोध करने के लिए विलियम थर्ड को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। किंग जेम्स टू ने जब यह देखा कि सभी उसके विमुख हो गए हैं तो घबराकर वह बिना युद्ध किए फ्रांस भाग गया। इस तरह सत्ता में यह परिवर्तन बिना किसी खून खराबे के हुआ और यह अपने आप में ब्रिटिश इतिहास में और शासन व्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसीलिए इस घटना को लहू रहित क्रांति या ग्लोरियस रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस क्रांति के द्वारा सम्राट की निरंकुशता पर रोक लगी और संसदीय प्रभुसत्ता की शुरुआत हुई। ब्रिटिश संवैधानिक विकास में 1688 की यह लहू रहित क्रांति अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके पश्चात ही सम्राट ने बिल ऑफ राइट्स 1689 पर हस्ताक्षर किए जिसकी पांच शर्तें थीं। पहली शर्त तो वही थी जो मैग्ना कार्टा और पिटीशन ऑफ राइट्स में रखी गई थी, बिना संसद की अनुमति के कोई कर नहीं लगाया जाएगा। दूसरा, वर्ष में संसद की एक बैठक आवश्यक रूप से बुलाई जाएगी। तीसरा, संसद की बिना पूर्व अनुमति के राजा कोई सेना नहीं रखेगा। राजा स्वार्थपूर्ति के लिए कोई नए न्यायालय की स्थापना भी नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त पांचवी शर्त थी कि संसद सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता होगी। मुनरो का मानना है कि इस प्रकार बिल ऑफ राइट्स के द्वारा इंग्लैंड में संसदीय प्रभुसत्ता की वैधानिक घोषणा हो गई। छठा काल, जिसका जिक्र हम ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था के विकास में करते हैं, वो है हैनोवर काल, जिसकी शुरुआत 1714 से अद्यतन तक है। 1714 में क्वीन एनी के पश्चात उत्तराधिकार अधिनियम 1701
के तहत जॉर्ज प्रथम को सम्राट बनाया गया और यहीं से ब्रिटेन में संसदीय जनतंत्र की शुरुआत होती है। इससे पूर्व मंत्रिमंडलीय प्रणाली का पूरी तरह से विकास नहीं हुआ था, क्योंकि मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता सम्राट करता था। मंत्रियों की नियुक्ति व उन्हें पद से हटाने में भी उसकी एक अहम भूमिका थी, परंतु हैनोवर वंशी जॉर्ज प्रथम ना तो स्वयं अंग्रेजी भाषा से परिचित थे और ना ही ब्रिटेन की राजनीति में उनकी कोई व्यक्तिगत रुचि थी। अतः उन्होंने अपने आप को मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता से मुक्त रखने के लिए उसकी अध्यक्षता का कार्य मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य रॉबर्ट वॉलपूल को सौंप दिया और इस प्रकार सम्राट ने बैठक में आना बंद कर दिया। देखा जाए तो वॉलपूल एक तरह से इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे, क्योंकि इसी के बाद मंत्रिमंडलीय प्रणाली के अन्य सिद्धांतों का विकास होता चला गया। यहीं से हम देखते हैं कि राजा की शक्तियों में पतन की शुरुआत हो गई और मंत्रिमंडलीय प्रणाली का विकास होता चला गया। सत्रहवीं शताब्दी तक संसदीय सर्वोच्चता के बावजूद संसद शक्तिशाली नहीं थी, क्योंकि वो सारी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती थी। संसद सदस्य ज़्यादातर उच्च वंशीय और संभ्रांत घरानों से आते थे। परंतु उसके पश्चात लोकसदन का लोकतांत्रिकरण शुरू हो गया। 1832 से संसदीय मताधिकार में परिवर्तन किए गए। उसके पश्चात संसदीय सुधार अधिनियम 1867 और 1884 और 1918 में जो सुधार किए गए उनसे सार्वजनिक वयस्क मताधिकार आम ब्रिटिश नागरिक को प्रदान किया गया। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार 1920 में 21 वर्ष की आयु या उससे ऊपर के ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त था। 1970 में इस आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। इसके साथ ही लॉर्ड सभा की शक्तियों में भी पतन की शुरुआत हुई। अठारह का जो संसदीय सुधार अधिनियम था वो भी लॉर्ड सभा की इच्छा के विरुद्ध पारित हुआ था। उन्नीसवीं शताब्दी में परंपरा अनुसार वित्तीय शक्ति का अंतिम निर्णय कॉमन सभा को प्रदान कर दिया गया था, परंतु
सन 1910 में लॉर्ड सभा ने इस परंपरा का उल्लंघन करके प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज की सरकार के द्वारा बनाए गए बजट को अस्वीकार कर दिया। संसदीय सुधार अधिनियम 1911 के द्वारा लॉर्ड सभा की वित्तीय शक्तियों को पूर्णतः सीमित कर दिया गया और इस तरह संसद का पूर्ण रूप से लोकतांत्रिकरण हो गया। विगत 1400 वर्षों के विकास के आधार पर ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया। विकास के इस क्रम की खास बात यह रही कि कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं अनजाने में ही परिस्थितिवश या संयोग से अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त कर सकी, वहीं दूसरी ओर कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिन्हें सोच समझकर योजनाबद्ध तरीके से अर्थात कानून बनाकर अपनाया गया। इस प्रकार कुछ संस्थाएं और व्यवस्थाएं संयोग का परिणाम हैं तो कुछ अन्य मानवीय विवेक का परिणाम है। इसीलिए यह कहा जाता है कि ब्रिटिश संविधान संयोग और विवेक का शिशु है। ब्रिटिश संवैधानिक विकास आज भी अपनी गति से अपने आप को आधुनिक परिवेश के अनुसार ढालता जा रहा है और इसी का परिणाम है कि जहां द्वितीय महायुद्ध से हम ब्रिटेन में दो दलीय व्यवस्था के बारे में बात करते थे, वहीं सन 2010 से ब्रिटिश चुनाव में त्रिदलीय पद्धति और गठबंधन सरकार की बात की जाने लगी है।